हे वेलकम टू गाइस एनजीबी गेमर बैंक। मैं बोल रहा हूँ आपका हॉस्टल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पबजी मोबाइल पीसी पर गेम प्ले लेके आया हूँ। एमुलेटर पर प्ले कर रहा हूँ टेंशन गेमिंग बड़ी, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले डाउनलोड करना भी सिखाया था। तो टेंशन गेमिंग बड़ी के ज़रिए मैं पीसी पर पबजी मोबाइल जो है प्ले करने वाला हूँ। तो ये साथ एक मेरा फ्रेंड है अरहम अयूबी, पाकिस्तानी है, मेरे साथ है। स्टार्ट कर यार। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी पबजी मोबाइल पीसी में कैसे डाउनलोड करनी है और कौन सा एमुलेटर और कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं उस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखें हमारा मेरा का जो मैं मेरा हमारा जो भी है वो मैप ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है गेम। बाकी वो जो थोड़ी बहुत लैग होती है वो गेम जो है रिकॉर्ड हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है, बाकी बिल्कुल स्मूथली प्ले हो रही है, रन हो रही है, आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है गेम में, बाकी आ गए आप देखते जाएं अगर कोई प्रॉब्लम बनी। मैं ज़्यादातर मोबाइल के बजाय पीसी पर प्ले करता हूँ एमुलेटर के ज़रिए। मैं पीसी में जो है हमारा एम वगैरह और उसके बाद जो शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लग जाती हैं। यह एमुलेटर वर्सेस, अगर आप एमुलेटर पर खेलेंगे तो आपका जो एनिमीज होंगे वो भी एमुलेटर पे ही प्ले करेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है एमुलेटर वर्सेस एमुलेटर के प्लेयर के साथ ही होती है। क्योंकि अगर हमारा जो मैच है वो मोबाइल के प्लेयर के साथ लग जाए तो मोबाइल के जो प्लेयर होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जो खेल रहा हूँ, मुझे एक मेरे दोस्त जो है अरहम अय्यूब, आपने देखा ही होगा, अरहम अय्यूब ने इनवाइट किया था मुझे। अब अरहम अय्यूब जो है वो है मोबाइल पर, तो उसने मुझे इनवाइट किया, तो इसका मतलब जो मेरे एनिमीज़ होंगे वो मोबाइल वाले होंगे, क्योंकि मोबाइल वाले बंदे ने मुझे इनवाइट किया है। तो इसलिए मेरे लिए तो गेम ईजी हो जाएगी, बट जो मेरे साथ मेरे लिए जो एनिमीज़ होंगे जो जिनको मैंने मारना है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मुझे मारना, हिट करना। तो अगर आपके पास भी कोई अच्छा पीसी है, 1 GB रैम, 4 GB रैम DDR3 के साथ और 1 GB ग्राफिक कार्ड हो जाए या इससे बेहतर हो जाए, वैसे मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है 1 GB का जो है ग्राफिक कार्ड हो जाए, उसके बाद 4 GB DDR3 रैम और इसके बाद 2.5 और 2.7 से अबव का जो है वो प्रोसेसर हो जाए। कम से कम 2.7 तो होना चाहिए वैसे, तो गेम स्मूथली रन कर जाएगी। तो मेरे जो पीसी की स्पेसिफिकेशन है वो है 2 GB ग्राफिक कार्ड है, 8 GB DDR3 रैम है, उसके बाद प्रोसेसर है उसका पेंटियम G630। तो ये हमें SLR मिल गई, ये भी काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग के लिए है। इस पर अगर हम 4x का लेंस लगा कर मारें तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, काफ़ी अच्छी शॉट लगती है। तो ये देख लें FGH, हम FGH से गन वगैरह जो है पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई बैग वगैरह ओपन करना, टैब से बैग वगैरह, टी से जो है हमारा जो स्पीकर चेंज है, वॉइस से हमारा माइक है, इज इक्वल टू से हमारा जो है ऑटो रन पे लग जाएगा। ये कहाँ से जोन से बाहर जा रहे हैं वापस चल। ये आ गए हम अंदर, तो ये हमें मिल गया इसका जो है सप्रेसर। ये हमें अभी एक रेड डॉट मिल गया। वैसे यार मुझे पीसी पर ना, अगर आपके पास जो है छोटी स्कोप हो ना, या तो 6x या तो फिर 4, मुझे यार इसमें पीसी में ना 2x बेहतर लगती है, क्योंकि 2x से मैं अच्छी शॉट लगा लेता हूँ। पीसी में ग्राफिक का तो प्रॉब्लम होता ही, दूर बंदा हो तो तब भी दिख जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरे फेवरेट जो है 2x है पीसी में, और मोबाइल में मुझे बेहतर लगती है। AKM के ऊपर अगर 4x लगा तो बेहतर है पीसी में, और भी अगर AKM with 4x, क्योंकि 4x जब AKM पर लगती है उसका जो एम है ना, उसकी स्कोप के अंदर डॉट्स आता है वो गोल हो जाता है, मुझे इसलिए 4x जो है AKM पर बेस्ट लगती है।
तो फ्रेंड्स हमारे पास जो गोलियां हैं बुलेट्स हैं वो तो हो गई हैं फ़िलहाल गुजारे लायक, बट मेरे पास जितनी ज़्यादा गोलियां हो उतना मुझे सुकून मिलता है, मुझे टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि दोबारा मैं एक बार गोलियां उठवा लेता हूँ तो पूरी गेम है ख़त्म ना हो इतनी मेरे पास बुलेट्स हो जाएँ बस, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती बुलेट्स वगैरह की, क्या बुलेट्स भी चाहिए या नहीं चाहिए, तो बुलेट्स की एक बार टेंशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुझे जितनी बुलेट्स मिल जाए उतनी कम, मैं एक बार बस खुली बुलेट्स मिल जाए बेतहाशा बस, फिर उसके बाद मैं और मेरे एनिमीज़। वैसे इतना मैंने खास को नहीं गेम प्ले, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा तो आपके लिए कुछ न्यू लाऊंगा गेम प्ले में, तो फ़िलहाल आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम बनती है। वैसे अगर आपका पीसी काफ़ी हल्का है ना उसके बाद, तो आप जो है पीछे अगर कोई डाउनलोडिंग वगैरह लगी हुई हो या कुछ बैकग्राउंड में चल रहा हो तो उसको पॉज कर दें या बंद कर दें वो बेहतर है, और जो एक्स्ट्रा विंडोज़ खुली हुई हैं तो वो बंद कर दें बेहतर है, क्योंकि फिर वो गेम उसमें लैग करना प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अगर आप फिर खेलेंगे वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। देखिए मेरे जो है पीसी इतना वैसे ख़ास भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है जो मैं इसकी तारीफ़ करूँ, वैसे नॉर्मल सा पीसी है, तो इस पर भी अगर वो देखें ना आप अगर डाउनलोडिंग वो वीडियो लगाई हुई है तो अभी फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, अगर आगे जाके थोड़ा बहुत लैग होगा वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डर की वजह से लैग होगा, वैसे मैं खेलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, अगर आप खेलें वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं इसलिए ज़रा प्रॉब्लम बनती है, तो अगर आप खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 GB जो है इसका ग्राफिक कार्ड, 4 GB रैम DDR3 के साथ और एक 2.7 GHz का जो है प्रोसेसर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ गेम बिल्कुल स्मूथली चलेगी रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी उसमें। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करना गेम जो मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बताई है, तो उस पर ज़रूर जो है गेम रन करेगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास इस टाइप का कंप्यूटर है स्पेसिफिकेशन का, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली जो है गेम रन कर रही है। अभी 0 किल्स हैं मेरी, 93 बल्कि रह गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपने डाउनलोड करनी है आपको तरीका नहीं पता तो मैं इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करनी है और क्या क्या करना है, तो आप भी उस तरीके से देख कर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की थी, हाउ टू डाउनलोड फॉर्टनाइट इन एनी एंड्रॉयड मोबाइल, तो उस वीडियो को भी लिंक मैं दे दूंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में फॉर्टनाइट का जो बेटा वर्जन है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्टनाइट नहीं खेली या आपने आपको काफ़ी पसंद आया, अगर आपने पीसी में खेली है आपको फॉर्टनाइट का पता है तो डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे फॉर्टनाइट का गेम प्ले भी मेरी चैनल पर है, तो उस वीडियो का उस गेम प्ले का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गेम प्ले देख सकते हैं, अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, वैसे फॉर्टनाइट जो है जो पबजी मोबाइल की कॉपी है, वैसे चीज़ें मिलती जुलती हैं, पबजी में हम जो है कार्ड वगैरह चला सकते हैं तो हम फॉर्टनाइट में जो है कार्ड वगैरह नहीं चला सकते, बट उसका ग्राफिक थोड़ा है ज़रा इम्प्रूवमेंट है काफ़ी अच्छा है, तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है जिस तरह के हम उसमें ज़रा पत्थर वगैरह है जो स्टोन है या वुड है उसके बाद आयरन है, हम वो जगह जगह पर हमें पड़ा मिलता है, मसलन के जो घर वगैरह बने हुए हैं उनकी दीवारें वगैरह वो वुड की बनी हुई होती हैं वो तोड़ के हमें वुड मिलेगा, पत्थर वगैरह पड़े होंगे पत्थर को तोड़ेंगे तो हमें जो आए उसकी जगह पर स्टोन मिल जाएगा, उसके अलावा जो है स्टील वगैरह वो तोड़ेंगे या कुछ इस तरह की स्टील टाइप चीज़ें तोड़ेंगे उसमें हमें स्टील मिल जाएगा आयरन मिल जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे वो, तो उससे हम जो है छतें वगैरह बनाते हैं, सीढ़ियाँ टाइप बना के बिल्डिंग्स ही बना लेते हैं लकड़ी की, उस पर खड़े होकर हम स्नाइपिंग वगैरह करते हैं, तो जब दुश्मन आता है हमारे सामने तो गोली वगैरह या वो हम ग्रेनेड वगैरह फेंकते हैं तो हम उसके साथ जो है दीवारें वगैरह बना लेते हैं, तो इस तरह करके वो सारा सिस्टम प्रोसेस है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है गेम प्ले, अगर आप चेक कर लें, अगर आपको अच्छी लगे तो डाउनलोड वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रा अच्छा मोबाइल चाहिए तो आप वैसे अगर चेक कर लें, अगर आपके मोबाइल में होती है तो मेरे वैसे मोबाइल में मैंने अपने दोस्त के मोबाइल पर एक गेम प्ले किया था तो उस पर ईजिली रन कर गई थी बेटा वर्जन है, अभी वैसे कुछ दिनों तक उसका जो है वर्जन जो है 24 अगस्त सुना मैंने सुना है कि उस पर जो है रिलीज़ हो जाएगी ऑल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, तो तकरीबन 3 GB रैम चाहिए तो हर मोबाइल के लिए कंपेटेबल हो जाएगी, तो 2 GB रैम पर भी शायद कंपेटेबल हो जाए जिसका प्रोसेसर वगैरह अच्छा है तो उस पर भी चल जाएगा, शायद 2.0 GHz से ऊपर वाले मोबाइल में भी चल जाएगी, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं दोनों का डाउनलोड का भी और जो गेम प्ले का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखें हमने एक जो है किल कर दिया है, 88 जो अलाइव रह गए हैं, इसमें FGH वगैरह इस तरह ही सारा सिस्टम है,
उसके बाद जो है स्केप का बटन है, उससे हम जो है सेटिंग में जा सकते हैं या उधर से लीव कर सकते हैं, लॉबी में जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक तो बनी है, हमारी गेम देखें बिल्कुल स्मूथली चल रही है और हमें एम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, काफ़ी अच्छी तरीके से हम एम करके मार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रेड डॉट से ही हम इतनी दूर क्लियरली मार सकते हैं। तो ग्राफिक देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा ग्राफिक है, तो हम दूर से ही मार सकते हैं। तो कल मैं आपके लिए लाऊंगा फर्स्ट पर्सन मोड में, पीसी पर फर्स्ट पर्सन मोड खेलने का काफ़ी मज़ा आता है। देखिए मैं काफ़ी दूर से जो है किल कर रहा हूँ, बट मेरा जो है नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है। वैसे पिंग्स तो ठीक गुजारे लाइक आ रहे हैं, और बॉट है आई थिंक मुझे मार नहीं रहा है, पास जाके मारता हूँ उसे। तो मैं जा रहा हूँ उसके पास, अगर वो बॉट ना हुआ तो मुझे मारेगा, अगर बॉट हुआ तो नहीं मारेगा। फ्रेंड जो बॉट्स होते हैं ना वो हमें बस हमारा हम उनके पास जाते हैं, वो गन निकालते हैं, मारते कोई नहीं है, लेट जाते हैं या इस तरह के ना ड्रामे वगैरह लग जाते हैं, करते कुछ नहीं है। देखें अब इसके पास गन आई थी मेरी तरफ, इसने गोली नहीं चलाई है, ये होते हैं बॉट्स, ये है ही बॉट्स था। अब वो एक और है आई थिंक वो भी बॉट है, ये हो गया नॉकआउट। तो छोड़ो अभी इसको देखो, और तो नहीं है कोई। तो फ्रेंड अभी तक तो मैंने ही मारे हैं, फिलहाल दो किल्स कर दिए, तीसरा वो जो है नॉकआउट हुआ हुआ है, और ये हो गई हमारी 3 किल्स। तो चलते हैं आगे, अभी देखते हैं 77 और लाइव्स रह गए हैं। और ये फ्रेंड्स अभी तक मुझे SLR के लिए एक लेंस चाहिए था, हमें लेंस नहीं मिल रहा अभी। SLR पर हम 4x या 6x लगा कर अगर शूटिंग करें, स्नाइपिंग करें, तो काफ़ी अच्छी गन है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है ये। वो आई थिंक अभी ड्रॉप गिरेगा, उधर बंदे होंगे फिर। तो मैं आपके लिए ना एक फ़र्स्ट पर्सन मोड का भी गेम प्ले लेके आऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है उसमें फ़र्स्ट पर्सन मोड में। पीसी पर तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फर्स्ट पर्सन मोड में, मुझे ज़्यादातर वही अच्छा लगता है। अभी मेरे फ्रेंड ने गेम स्टार्ट किया तो इसलिए वो थर्ड पर्सन मोड ला गया, वरना मैं तो जब लगाता हूँ तो फर्स्ट पर्सन मोड ही लगाता हूँ, क्योंकि उसमें पीसी पर खेलने का काफ़ी मज़ा आता है, उस पर हमें ग्राफिक और अच्छा बेहतर मिल जाता है थर्ड पर्सन मोड की भी जाए। तो वैसे तो अगर हम पबजी जो है पीसी में डाउनलोड करते हैं तो $30 की है, तो इस तरीके जिस तरीके से मैंने डाउनलोड किया है ये इस एमुलेटर के ज़रिए, तो ये जो है पबजी बिल्कुल फ्री जो है डाउनलोड का हम कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। तो पबजी पीसी का मज़ा हम पबजी मोबाइल पर ही की गेम से ही ले सकते हैं एमुलेटर के ज़रिए प्ले करके। तो ये देखें आ रहा है प्रेस कंट्रोल टू अनलॉक माउस, तो अगर हम कंट्रोल का जो है बटन दबाएंगे एक बार तो हमारा जो माउस स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा। ये देखिए अब मेरा जो है माउस का कर्सर वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, फिर मैंने कंट्रोल दबाया तो वो हाइड हो गया, अब जो है कंट्रोल वो माउस के उस पर आ गया है। तो ये एमुलेटर जो है पबजी का टेंसेंट का ऑफिशियल जो है एमुलेटर है। तो मैंने जो है ब्लू स्टैक पर भी प्ले करके देखी है गेम, तो ब्लू स्टैक पर जो है वो ऑफिशियली सेटिंग नहीं है, तो इसकी ऑफिशियली सेटिंग है, तो फुल कंट्रोल ये पबजी के लिए ही बनाए गए हैं, तो इसलिए खेलने में प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अगर आप ब्लू स्टैक में खेलेंगे उसकी तो पहले तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी समझ नहीं आएगी, तो इसकी ऑफिशियली सेटिंग हुई हुई है तो ये बेहतर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ऑफिशियली लॉन्च किया गया है तो ये ज़्यादातर आई थिंक बेटर रहेगा। उससे मैंने उस पर भी खेल के देखी बट मुझे उस पर नहीं अच्छी लगी। जो एमुलेटर मैं बताऊंगा टेंशन वाला का, उसमें आप कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे वो चाइनीज़ का है, आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करके यूज़ करते हैं। अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है ये और चाइनीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मैंने तो डाउनलोड किया था ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई थी। अभी रह गए 3 मैंने किल कर दिए, बाकी 69 रह गई हैं। फ्रेंड अभी तक तो हमारी गेम स्मूथली रन कर रही है, फिलहाल मैंने 7 एक डाउनलोडिंग अभी लगाई है, शायद अब ना
अभी देखे ना हल्की हल्की जो है लैग ही है, मैंने डाउनलोडिंग लगाई है ना, तो फॉर्टनाइट पीसी जो है अपडेट पे उसका अपडेट आया था वो अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो रहा प्रॉब्लम, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डाउनलोडिंग लगी हुई है मेरे साथ साथ, डाउनलोडिंग का यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोडिंग इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं बनती जितनी रिकॉर्डिंग के साथ बनती है। रिकॉर्डिंग में क्योंकि 30 FPS पे मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वो काम ख़राब हो जाता है उस पर जो है, पीसी पर जो है ग्राफिक कार्ड पर और लोड पड़ जाता है, और प्रोसेसर पर, प्रोसेसर वैसे मेरा हल्का है, बाकी जो है स्पेसिफिकेशन पीसी की काफ़ी बेहतर है। कुछ दिनों तक मैं शायद प्रोसेसर भी बाय कर लूँ इसका, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई थिंक मैंने भी तो फ्रेंड्स अभी कोई आ गया भाई, कोई आ गया, कोई आ गया, दो एक ये एक को इधर भी, इधर भी, इधर भी, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली मैंने उनको मार दिया है। अब इनकी हम लूट ले लेते हैं, 5 किल्स हमारी हो चुकी हैं, 60 आर लाइव हैं इधर, मुझे 7.62 की बुलेट्स चाहिए, ये बड़ी हैं, ये बड़ी हैं, उठा लो 32, ये भी आ गई, स्पेस ख़त्म हो गई। अब ये देखिए अब माउस ऑटोमेटिकली ओपन हो गई, ये फालतू चीज़ें मैं जो है फेंक देता हूँ, ये 12 गेज की जो बुलेट्स हैं मेरे किसी काम की नहीं हैं। तो हमारे पास ये हो गई हैं बुलेट्स, ये मेरा फ्रेंड आ गया है यार हम अयूब, तो वो भी इकट्ठी कर रहे हैं गन्स वगैरह। तो मेरे पास अब 289 हो गई हैं UMP 9 की, और SLR की भी हो गई हैं 175, काफ़ी हैं इसके लिए। SLR जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादातर स्नाइपिंग के लिए यूज़ होती है, तो इतनी बुलेट्स जो है उसकी ज़ाया नहीं होती हैं जो है UMP 9, क्योंकि उसमें जब हम शूटिंग करते हैं तो पूरी पूरी मैगजीन एक टाइम पर खाली हो जाती है, तो उसका ज़्यादा चांस होता है कि हमारी बुलेट जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पबजी खेलते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में और भी पबजी की वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख लें। तो 56 सारा लाइव रह गए हैं, 5 जो मैंने किल्स कर दिए हैं, पिंग्स मेरे जो हैं बस इधर इस तरह ही आते हैं, तो इसी पर ही गुजारा करना पड़ता है मुझे। पिंग्स पर ना जाना, पिंग्स मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके 200 के नीचे आते हैं तकरीबन आपकी गेम जो है स्मूथली रन कर जाती है, बाकी ज़्यादातर उसका भी प्रॉब्लम होता है अगर लैग करती है तो पिंग्स की वजह से भी लैग करती है, अगर पिंग्स काफ़ी कम आ रहे हैं तो, क्योंकि पिंग्स पर एक अच्छा काफ़ी अच्छा खासा जो है उससे फ़र्क पड़ जाता है, पिंग्स जो है गेम को जो है स्पीड देती हैं, उससे पिंग का ये फ़ायदा होता है पिंग जितने कम हो उतनी आपकी गेम जो है स्मूथली रन करती है, क्योंकि पिंग्स जो है वो आपको इन डाटा जो इन्फॉर्मेशन देने में मदद करती है, जितने पिंग्स में जो रुकावटें कम होंगी उतनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और पिंग्स ज़्यादा होंगे रुकावटें जो है उसकी ज़्यादा होंगी, तो इससे हमें डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो लेट मिलती है आपको। अगर मसलन कि आपके सामने कोई बंदा है, अगर आपके उस टाइम पिंग ज़्यादा हो जाएंगे, रुकावटें ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपके सामने कोई बंदा है, तो आप वो आपको आके मार भी देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आपके पिंग्स ठीक होंगे जो आपको वो इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी, तो आप देखेंगे कि आपका बंदा जो है मरा हुआ होगा, तो आप सोचेंगे ये क्या हुआ है, गेम लैग हो गई या इस तरह हो गया, इसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपके इन पिंग्स की वजह से होती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, आपके पास स्पीड अच्छी आ रही है, तो लैग होने का चांस ही नहीं, पिंग्स अच्छे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गेम में, और पिंग्स अच्छे होने चाहिए। और दूसरी जो है तो जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताई है, 1 GB ग्राफिक कार्ड और 4 GB जो है DDR3 रैम हो जाए, उसके बाद नॉर्मली DDR3 यूज़ होती है वैसे, तो 4 GB रैम और उसके बाद 1 GB ग्राफिक कार्ड और 2.7 तक कोई भी प्रोसेसर हो जाए, तो गेम जो स्मूथली रन कर जाएगी। तो अभी 53 रह गए हैं, 5 किल्स हो गई हैं, वो ड्रॉप है, ड्रॉप के पास ज़्यादातर बंदे होंगे,
गिर रहा है ड्रॉप भी। पीछे देख लें, पीछे से नाना कोई आके दबा कर दे। फ्रेंड मैं वैसे फोर्टनाइट भी खेलता हूँ, तो वैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, मेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं है। वैसे अभी मेरा लेवल 5 है। वैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले ही मर जाता हूँ पीसी में। तो मोबाइल का गेम प्ले किया था मैंने, तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले था, देख सकते हैं आप। उसका भी मैं गेम प्ले जो है आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, मैंने बताया फॉर्टनाइट का। तो अगर आप पहले ऑलरेडी से खेलते हैं पीसी में अपने या एंड्रॉयड में खेलते हैं तो मुझे रिक्वेस्ट ज़रूर भेजना, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मेरे GB गेमर बैंक के नाम से, मेरे चैनल के नेम से ही मेरी प्रोफाइल है, आप सर्च करके निकाल सकते हैं। तो अभी हमें मिल गई हैं। वैसे ना मैं करीब के बंदे मारने के लिए ना ज़्यादातर UMP9 मेरी बेस्ट है, मेरी फेवरेट है। UMP9 M164A AKM विद 4X या 2X, बस ये मेरे फेवरेट लेंस स्कोप्स हैं। जो मुँह से यार लेंस निकल आता है अब स्कोप की जगह पर, वो ड्रॉप है, कोई इधर दब्बा ना कर दे ऊपर। ओ उसकी पावर गई। वो भी सामने होके खड़ा है, ये इसी स्किल्स हो गई। एक और है, एक और है, एक और है, वो रहा है, मार उसको। ये भी मैंने ही मारा है। 7 kills, गुड 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 गुड। बुल्ट्स उठा ले, बुल्ट्स। वो गया, उसको किसने मार दिया। जंपिंग जंपिंग, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, पीछे पीछे पीछे। है कहाँ पे यार, दिख नहीं रहा मुझे। ना दबाव कर दे, हेड शॉट ही ना कर दे। वैसे लेवल 3 की हेलमेट है, इतनी जल्दी तो नहीं मरने लगा फिर भी। चल भाई खुद को हील कर, जल्दी जल्दी मैं भागूँ यहाँ से। मुझे ना मारी, मुझे ना मारी, और गोली चल रही है, मुझे ना मारी। ओ शिट यार, जल्दी अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। एक ही बुलेट कितना डैमेज कर गया। वैसे उसके पास भी आई थिंक ऐसा ला रही है, क्योंकि या तो ऐसा ला रहा है या तो कोई और है उसकी जगह पर। वो तो मुझे अभी बैंडेज लगानी पड़ेगी, बैंडेज लगाते हैं। कोई मेरे पास अभी पेन किलर भी नहीं है, अभी मुझे फिर कोका कोला ही पीनी पड़ेगी अपनी। ये मेरी कोका कोला है, रेड बुल। आई थिंक हो जाएगी पावरफुल। जाके अब उसको देखते हैं कहाँ पे छुपा हुआ है, सामने उधर चलते हैं। यार है तो वो वैसे उस पहाड़ों की तरफ, मुझे अभी दिख नहीं रहा। मुझे ना मारना, अभी मैंने पावरफुल किया है। चल भी अंदर पहुंच के बाद सभी देखना, छोड़ना नहीं उसे यार। वैसे मैंने गेम की वॉइस बंद की हुई है ताकि जो है मेरी आवाज़ आ सके। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जो बात कर रहा हूँ साथ साथ, तो मैंने वो आवाज़ बंद कर दी है। वो मेरे साथी को किसने फ्रेंड को किल कर दिया किसी ने, उसी स्नाइपर वाले ने किया आई थिंक। यार मुझे दिख नहीं रहा। अरे मैं वैसे उससे पूछ रहा हूँ माइक के ज़रिए, मैंने आवाज़ जो है चैटिंग की जो है वो सारी बंद की हुई है, क्योंकि फिर मैंने जो आपको समझाना था, बताना था, वो आपको फिर समझ नहीं आनी थी उसकी। वो रहा, देख गया देख गया। यार बच गया बच गया। वो अगर उसको गोली लगी हुई ना, वो ऊपर जाके वो अभी उसको दिखा नहीं है वैसे। तो फ्रेंड्स अगर आपको गेम प्ले, ओह शिट यार। तो फ्रेंड्स अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो मेरे चैनल, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं।